तो हाय गाइस, वेलकम टू स्टार्ट वाचिंग अडक टीवी के। आज की इस वीडियो में जानेंगे इनवर्स इनवर्टिबल फंक्शन और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में, जो कि लास्ट टॉपिक हमारे क्लास 12 के फंक्शन चैप्टर का। मैं गारंटी देता हूँ इतना अच्छा से एक्सप्लेन आपको कहीं मिलेगा नहीं और सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट होता है तो यार कमेंट करना ना भूलना, और प्लीज़ नीचे हुए रेड बटन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सब्सक्राइब करके ग्रे कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू माय एजुकेशन कंटेंट और नया नया इंटरेस्टिंग फैक्टर्स कंटेंट आपको मिलता रहे मेरे चैनल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनवर्टिबल फंक्शन होता क्या है। द फंक्शन हुज इनवर्स आर पॉसिबल आर कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शंस। मतलब जिसका इन्वर्स पॉसिबल है उसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोलेंगे, और इसको डिनोट करते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अगर एफ एक्स आपका फंक्शन है तो इनका इन्वर्स एफ इनवर्स ऊपर माइनस वन लगा रहेगा। इसको आप वन बाय मस्त समझ लेना गलती से भी, ठीक है। ये कुछ और है, इन्वर्स मतलब उल्टा समझ के रखो। सो इसको समझाने के लिए एनिमेशन को देखो ध्यान से, कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक मान लो इनपुट है और उसमें कुछ आउटपुट निकल रहा है, मान लो फंक्शन एफ एक्स प्लस वन, एफ एक्स कल टू एक्स प्लस वन आपका फंक्शन लग रहा है और उससे कुछ आउटपुट निकल रहा है, तो कुछ भी इनपुट दे रहे थे हम लोग का एक आउटपुट निकल रहा है। अब कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो एक ऐसा हम इसको इस फंक्शन का ऐसा बना दें कि जो मेरा आउटपुट निकल रहा है अगर वो इनपुट में डालें और जो इनपुट है वो मेरा आउटपुट में मिल जाए, मीन्स वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा। तो ये उल्टा कब पॉसिबल है? जब उस फंक्शन को हम मैनिपुलेट करें कुछ ऐसा कि वो फंक्शन उल्टा रिजल्ट दे, जैसे कि एक्स प्लस वन आ रहा है, अगर किसी भी फंक्शन को हम पुट कर रहे हैं तो उससे एक ज़्यादा आ रहा है, अगर हमको उल्टा जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वन माइनस करना पड़ेगा, वन घटाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर उसको अगर लिख दें कि वाई इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो ये जो फंक्शन हो जाएगा ये इन्वर्स हो जाएगा एक्स प्लस वन का। इसको बोल भी सकते हैं कि अगर इफ़ वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन सो एक्स इज़ इक्वल टू वाई माइनस वन, तो ये उल्टा दोनों फंक्शन हो गया। तो अगर एफ वाई का रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वाई माइनस वन आ रहा है, वो इन्वर्स है किसका, एफ एक्स का। तो एफ एक्स इज़ इक्वल टू इन्वर्स ऑफ एफ वाई, या फिर एफ वाई का इन्वर्स एफ एक्स, या फिर एफ एक्स का इन्वर्स एफ वाई, जो भी बोल सकते हैं। सो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो इनपुट है वो आउटपुट बन जा रहा है, नॉर्मली जो इनपुट आउटपुट रहता है, बट अब क्या हो जाएगा, जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाएगा। सो मेनली इसका काम यही रहता है कि ये इन्वर्स बताता है, उल्टा बताता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो इनपुट है, मान लो अगर ये इनपुट है और ये आउटपुट है, सो अगर फंक्शन को तुम याद करो तो फंक्शन को, अगर जिसको नहीं याद है, जिसको अगर कोई डाउट है तो ऊपर आए डिस्क्रिप्शन में, आई कार्ड में या लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाकर देख लेना एक बार फंक्शन, क्या फंक्शन और रिलेशन में अंतर था। सो फंक्शन में हमने बताया था कि क्या एक फंक्शन से, एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं, दो इनपुट से एक आउटपुट निकल सकता है। इट इज़ पॉसिबल कि दो इनपुट से एक आउटपुट निकल सकता है, इट इज़ पॉसिबल, बट एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं निकल सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। इस टाइप को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, जबकि इस टाइप को हम फंक्शन बोलेंगे। सो थोड़ा ध्यान दो, अगर बाई चांस आपका अगर फंक्शन जो है अगर कुछ इस टाइप का है, अगर ये फंक्शन एप्लीकेबल है, अगर यहाँ पे हम इस टाइप का फंक्शन लेट करते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर को लेट करते हैं, एक्स स्क्वायर को लेट करने से क्या होगा, कुछ भी दो माइनस या प्लस दोनों आपका आउटपुट देगा। सो अगर एक्स स्क्वायर को यहाँ पर लेट करते हैं तो यहाँ अगर माइनस वन दे या तो वन दे तो मेरा आंसर वन आने ही वाला है। सो दो इनपुट का अकॉर्ड, इट इज़ अ फंक्शन, हम मान सकते हैं इसको फंक्शन है, बट अगर हम इसका इन्वर्स निकालें, तो अगर हम इन्वर्स निकालेंगे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट अंडर वाई, तो रूट अंडर जो फंक्शन आ रहा है ये इसका इन्वर्स आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम एक इनपुट डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लो यहाँ पे डालते हैं फोर, ठीक है, सो अगर फोर डालेंगे तो मेरा दो आउटपुट निकलेगा, क्या निकलेगा, माइनस टू और टू, इज इट पॉसिबल, माइनस टू प्लस टू। अब ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन को फॉलो कर रहा है, क्या बताया गया था कि दो इनपुट से एक आउटपुट निकल सकता, बट एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं निकल सकता, इट इज इम्पॉसिबल कि दो एक ही इनपुट से दो आउटपुट निकले, ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, ये रिलेशन हो सकता है बस फंक्शन नहीं होगा। तो क्या ये फंक्शन होगा, नहीं होगा, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए क्या बोल सकते हैं कि जो फंक्शन जो इन्वर्स किसका किसका निकलेगा, पहला नंबर जो वन वन फॉलो करेगा, वन वन फॉलो करेगा उसी का ही निकलेगा, और दूसरा सर्जेक्शन फॉलो करेगा, अगर सर्जेक्शन नहीं रहेगा तो भी उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता, बिकॉज सबका प्री इमेज इसका नहीं रहेगा, तो इन्वर्स किसका बराबर यार, अगर इसका आउटपुट ही नहीं निकलेगा तो ये दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं टोटली कि बाइजेक्शन होना पॉसिबल है।
अगर किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल बताना है, किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल बताना है तो बाइजेक्शन हमको प्रूफ करना पड़ेगा, सो दैट हम बोल सकते हैं अ पर्टिकुलर फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन व्हेन इट फॉलोज द बाइजेक्शन रूल। अगर किसी को पता नहीं है तो ऊपर आई डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाकर देख लेना एक बार, ठीक है। बाइजेक्शन तभी प्रूफ हो सकता है। तो बाइजेक्शन प्रूफ करें हम सिखाएंगे नहीं, बिकॉज बाइजेक्शन प्रूफ करके पहले ही बता चुके हैं, और जैसे जैसे बाइजेक्शन प्रूफ करते हैं वैसे ही हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको इन्वर्टिबल। जैसे ही बाइजेक्शन प्रूफ हो गया कोई फंक्शन के लिए, हम बोल देंगे इट इज इन्वर्टिबल। क्वेश्चन में पूछा जाएगा इज द फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट, तो जैसे ही बाइजेक्शन हम प्रूफ कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो इन्वर्टिबल है, सो वी कैन से दैट इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। सो डायरेक्टली जाएंगे क्वेश्चंस में और प्रॉपर्टीज में। सो सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज इनवर्स फंक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट इन्वर्टिबल फंक्शन का प्रॉपर्टी। तो डाउट क्लियर कर लेना, क्यों इन्वर्टिबल फंक्शन क्यों सब नहीं होता है। इन्वर्टिबल ऐसे बोला जाए तो हम इसका भी इन्वर्स निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर भी का इन्वर्स है रूट अंडर, मतलब कि एक्स स्क्वायर अगर है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका उल्टा फंक्शन क्या होगा, रूट अंडर एक्स। हम बोल सकते हैं ये पॉसिबल है, लेकिन फंक्शन के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये उल्टा दे दे रहा है। देखो यहाँ से 1 से 2 आउटपुट निकल जा रहा है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं बोलेंगे। लेकिन मैथमेटिकली हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। सो कन्फ्यूज मत होना, इन फंक्शन का मेन बेसिक कंसेप्ट को लेकर चलना है। तो आगे इसका प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और भी क्लियर होगा। देखते हैं प्रॉपर्टीज को। सो प्रॉपर्टीज में सबसे नंबर पहला आता है कि इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज पॉसिबल एंड यूनिक, मतलब कि सिर्फ बाइजेक्शन का ही इन्वर्स पॉसिबल है और वो हमेशा यूनिक रहता है। यूनिक रहने का कारण क्या है, इसमें 1-1 फॉलो होता है, हर एक्स के लिए हर एक वाई होता है, दैट्स वाई हर एक एक्स के लिए जब हर एक वाई होता है सो उसका हर एक वाई के लिए हर एक पर्टिकुलर एक्स ही होगा। 1-1 का मतलब पहले ही बता चुके हैं। सो इसलिए हर एक यूनिक रहता है, कोई भी एक फंक्शन का दो नहीं, बिकॉज मेनी वन पॉसिबल नहीं है। मेनी वन या फिर बिकॉज मेनी वन का उल्टा क्या हो जाएगा, 1-to-many, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, फंक्शन हो ही नहीं सकता है। उसके बाद आते हैं इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन इज बाइजेक्शन, एक बाइजेक्शन का इन्वर्स बाइजेक्शन ही होगा, नॉर्मल सी बात है, मतलब इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन नॉर्मली बाइजेक्शन होता है, फंक्शन भी बाइजेक्शन होता है और उसका इन्वर्स भी बाइजेक्शन होता है, याद रखना है। उसके बाद कोई भी एक इन्वर्स फंक्शन का अगर फिर से इन्वर्स कर दिया जाए तो मेरा फंक्शन वापस लौट के आ जाएगा। अगर मान लो कोई भी एक फंक्शन है उसको अगर वापस से हम इसको इन्वर्स करें, फिर इन्वर्स का फिर इन्वर्स करें, मीन्स उल्टा करते जाए, 2 बार उल्टा कर देंगे यार, तो वापस लौट के आ जाएगा, सिंपल सी बात है, वही है। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा तो मान लेते वही एक रिलेशन, वही मान लेते कि वाई बराबर अगर एक्स माइनस वन है, एक फंक्शन है, ठीक है, अगर इसका उल्टा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन आ जाएगा, ये इसका इन्वर्स हो गया, ये इसका इन्वर्स हो गया, इस फंक्शन का ये इन्वर्स हो गया। अब इसको फिर से उसमें डालेंगे, मीन्स इसको इसी में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा वाई वापस लौट के आ जाएगा ना। सो वही बात करा जा रहा है कि उसका फिर से इन्वर्स अगर निकाला जाए इसी फंक्शन का कि एक्स माइनस वन इक्वल टू वाई, तो ये और ये दोनों सेम है, तो डैट्स वाई एक इन्वर्स का दोबारा इन्वर्स निकालने पर मेरे को वापस वही सेम मिल जाता है। यही इस कंडीशन में बोला जा रहा है कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन इज द फंक्शन इज इक्वल टू द फंक्शन। मेन प्रॉपर्टी यहाँ है 4 नंबर में। 4 नंबर का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर एक फंक्शन है ए टू बी काम कर रहा है, एंड जी एक अलग फंक्शन है, कोई भी मान लो जी एफ कुछ भी मान लो यार, बी टू ए पे काम कर रहा है। अब ध्यान देना, ए टू बी पे काम कर रहा है, बी टू ए पे काम कर रहा है, मतलब क्या है, ये फंक्शन इसका इन्वर्स या ये फंक्शन इसका इन्वर्स से बोल सकते हैं, कोई भी एक दूसरा का इन्वर्स तो है ही, बिकॉज ये ऐसे काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है, उल्टा बना रहा है। अब ध्यान देना यहाँ पे है, वह कहता है कि एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ आर आइडेंटिटी फंक्शन, ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का है। अगर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन किसी ने नहीं पढ़ा है, ऊपर आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, देख लेना। सो ये दोनों को बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, ये आइडेंटिटी फंक्शन ही देगा। आइडेंटिटी फंक्शन और आइडेंटिटी रिलेशन एक ही बात है, ये आइडेंटिटी में मैंने बता चुका है, अगर नहीं जानते हो तो ऊपर आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, देख लेना। सो आइडेंटिटी फंक्शन ये कहता है कि आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, डोमेन और रेंज सेम रह जाता है, दोनों सेम सेम आते हैं। सो इस टाइप का में आ जाता है आपका क्या, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, अगर इस दोनों को इन्वर्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए दोनों को फंक्शन को, तो हमको आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है। कहने का मतलब ये है, देख लो सिर्फ इसी का ही एग्जांपल लेते हैं फिर से, अगर हम अगर ये अगर इसका इन्वर्स है तो इसको अगर हम मिटा देते हैं, अगर ये इन्वर्स है तो अगर हम इसको मान लो जी मानते हैं, एफ मानते हैं, इसको जी मानते हैं, ठीक है, इसको एफ मानते हैं, इसको जी मानते हैं। अब अगर हम एफ ऑफ जी करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ जी करेंगे, इसको एक्स प्लस वन मान लो तो ज़्यादा इजी रहेगा, बिकॉज दोनों तो इन्वर्स ही है। एफ ऑफ जी क्या क्या आएगा, इसको जब इसमें पुट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन माइनस वन, कुछ इस टाइप का आएगा। अब यहाँ पर माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, आ जाएगा मेरा क्या एक्स, ये कोई फंक्शन होगा, इसका बराबर वाई बोल सकते हैं, तो वाई इज इक्वल टू एक्स। अब देखो ये दोनों क्या हो गया, आइडेंटिटी, जो यहाँ बैठेगा वही यहाँ आएगा, सब में वही पॉसिबल है। इन्वर्स को इन्वर्स अगर एक कोई सीधा रास्ता, इसको ऐसे याद रखो, कोई एक सीधा रास्ता जा रहा है, कोई एक उल्टा रास्ता आ रहा है, अगर दोनों को कंबाइन कर दे, प्लस माइनस को कंबाइन कर दे, तो न्यूट्रल हो जाता है, जस्ट सेम हालत यहाँ पे है आइडेंटिटी का।
सो ये सब में एप्लीकेबल होगा, दो भी है अगर कोई भी हो, इन्वर्स अगर कुछ भी, अगर इन्वर्स का साथ उसका फंक्शन को कॉम्पोजिट करते हैं, ऐसे ही बहुत सारा कॉम्पोजिशन निकल सकता है। अगर ये आइडेंटिटी आया है, इसका साथ एक और अगर एफ ऑफ जी लगा दिए, फिर अगर कर दें एफ ऑफ जी इसको करके, फिर ऑफ अगर ऑफ कर दें जी ऑफ एफ, या फिर एच ऑफ आई कर देते हैं, ये अलग अलग कोई फंक्शन है, ये इसका इन्वर्स है, तो ये टोटल जो निकलेगा या आइडेंटिटी निकलेगा, जस्ट ऐसे बहुत सारा फंक्शन हो सकता है। मेनली यही कंसेप्ट है। तो ये मेनली चार प्रॉपर्टीज था मेन एक इन्वर्टिबल फंक्शन का, और क्यों इन्वर्टिबल फंक्शन होता है वो भी आपको पता चल चुका है। तो कुछ क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो एक एग्जाम्पल को देखते हैं। क्वेश्चन है, एफ फंक्शन दिखा रहा है आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव मीन्स सारा रियल नंबर जो पॉजिटिव है, कहाँ से कहाँ तक रेंज है इसका, सॉरी कहाँ से कहाँ तक ये इनपुट दे सकता है, माइनस फाइव टू इन्फिनिटी मीन्स पॉजिटिव दे सकते हैं, और एफ एक्स इक्वल टू नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव, सो दैट इट इज़ इन्वर्टिबल एंड फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना और ये इन्वर्टिबल है ये प्रूफ करना है। सो आर से इसका रेंज यहाँ तक है, या आर प्लस दे सकते हैं इसमें, माइनस फाइव से इतना तक आएगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं देना। सो इसी पे ही हमको प्रूफ करना है ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। सो इन्वर्टिबल के लिए सबसे पहला हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वन वन है, और दूसरा नंबर क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सर्जेक्शन प्रूफ फॉलो कर रहा है। तो ये दोनों करने के बाद हम बाइजेक्शन इसको प्रूफ कर सकते हैं, जिससे कि हमको समझ में आ जाएगा कि ये हाँ इन्वर्टिबल है। सो वन वन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को लिखेंगे वाई इज इक्वल टू नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव, वाई या एफ एक्स कुछ भी लिख सकते हो आपका मर्जी। सो अगर एफ एक्स इतना है, सो एफ वाई बराबर क्या आएगा, देखो इसको ले सकते हैं नाइन वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई माइनस फाइव। सो वन ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम लोग दोनों, हाँ सॉरी, इसके इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना, इक्वल करना पड़ता था, जिससे कि एक्स और वाई दोनों बराबर आता था। सो इन दोनों को अगर इक्वलाइज करते हैं तो नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस, सो इसको इक्वलाइज करने के बाद आगे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं, यहाँ तो फाइव फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको एक तरफ अगर लाते हैं तो कैसे आता है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस नाइन वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक जगह लाएंगे, तो यहाँ पे अगर नाइन कॉमन ले लेते हैं सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे सिक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी पे। सो यहाँ पे नाइन एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई आएगा, और प्लस सिक्स एक्स माइनस वाई आएगा इज इक्वल टू जीरो। टोटल से एक्स माइनस वाई को अगर हम कॉमन लेते हैं तो कुछ इस टाइप का हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे नाइन एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स, कुछ इस टाइप को देखने को मिलेगा यहाँ पे सारा कॉमन हो जाने पे। अब ये जो टोटल चीज़ है ये उधर जाके जीरो हो सकता है टोटली, हम ये इसको अगर क्या कर सकते हैं, ये टोटल को जीरो का बराबर कर सकते हैं, इसको भी जीरो का बराबर कर सकते हैं। सो ये इसको इग्नोर करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं और x माइनस वाई को जीरो के बराबर करते हैं, जिससे हमको पता चलता है x इज इक्वल टू y, हंस वी हैव दी वन वन फंक्शन। सो अब इसको सर्जेक्शन प्रूफ करने के लिए मीन्स ऑन टू प्रूफ करने के लिए क्या देखेंगे, इसका रेंज। सो इसका रेंज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेंज जो है इसका माइनस फाइव से इन्फिनिटी तक है, मीन्स सारा को फॉलो कर रहा है, जो इसका रेंज दिया गया है वो सारा को ही फॉलो करेगा ही, हर एक पे अलग अलग देगा, बिकॉज इसका रेंज पहले से वेल डिफाइंड है, तो इसको हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं कि इसका रेंज क्या है, अगर इसका रेंज पूरा फुलफिल्ड है इसीलिए इसको हम ऑन टू बोल सकते हैं, इसका रेंज को दिया हुआ है इसीलिए नॉर्मली डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो हम ऑन टू प्रूफ करते हैं वाई बराबर, वो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन पे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम नॉर्मली नहीं निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग पहले निकाला करते थे वाई बराबर पुट करके ऑन टू सब्जेक्शन प्रूफ कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऐसा करने की जरूरत नहीं बिकॉज इसका रेंज दिया हुआ है। अब चलिए इसका इन्वर्स निकालते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक अलग फंक्शन है, अलग फंक्शन का मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग को उसका प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा, एक जो मैंने बताया अभी कि एफ ऑफ एफ इन्वर्स या फिर जी जो बताए थे, जो देगा आपका एक आइडेंटिटी। सो अगर यहाँ एक्स रिलेट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे एक्स पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा यहाँ पे। सो इसको यूज़ करके हम लोग यहाँ पे इसका जो आउटपुट है मीन सॉरी इसका इन्वर्स है वो निकाल सकते हैं। कैसे, इस फंक्शन में पुट करेंगे तो इसका बराबर क्या आएगा, नाइन इंटू एफ इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस सिक्स एफ इन्वर्स ऑफ एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स, ये बोल सकते हैं। अब इस एक्स को इस तरफ लाएंगे तो टोटल इसको जीरो कर सकते हैं, सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नाइन एफ इन्वर्स एक्स प्लस सिक्स एफ इन्वर्स एक्स माइनस फाइव माइनस एक्स, इसको प्लस कर लो
सॉरी एम सॉरी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर लो, इसको टू जीरो, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करना है, सृजनाचार्य का इक्वेशन यूज़ करना है और इसका रूट निकाल देना है। अगर नॉर्मली रूट इसका निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सी कॉन्स्टेंट नहीं है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे 5 + x है, हमको लेट करके चलना है कि ये मान के चलना है, भूल जाना है कि कुछ है, हमको समझना है कि ये कॉन्स्टेंट है। सृजनाचार्य का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, b² - 4ac वाला, d बराबर b² - 4ac, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 6² - 4ac, सो 4 × 9 × 5 + x आ जाएगा, और इसको यूज़ करके प्लस बी प्लस माइनस डी करके जो आंसर आता है सृजनाचार्य का वो निकाल लेंगे, वही आपका एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इक्वेशन है इसका जो रूट है ये है, तो इज इक्वल टू यही बराबर आ जाएगा, क्या था, बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, तो बस वही लिख देंगे, बी का जगह यहाँ पे 6 लिख देंगे, प्लस माइनस ये आएगा रूट अंडर में, और 2a मतलब 9 × 2 = 18 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया इनवर्स इस फंक्शन का। तो इस तरीका को यूज़ करके, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके, इसलिए प्रॉपर्टी जाना जरूरी है, यूज़ करके हम इसका इन्वर्स इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल इक्वेशन नहीं है। अगर ये नॉर्मल इक्वेशन रहता, लीनियर इक्वेशन रहता, तो वाई को लेट करके निकालते हैं, बट ऐसा में हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली जितना भी पावर या कोई भी फंक्शन हो, आपको ऐसे ही निकालना है सारा का इन्वर्स, क्योंकि नॉर्मल तरीका से इन्वर्स निकल सकता था, क्योंकि जब तक ये लीनियर था, ये क्यूब स्क्वायर नहीं आ रहा था, अब ये ऐसा नहीं है, तो इसको हमको कुछ अलग फॉर्मूला से यूज़ करके निकालना पड़ेगा। ये आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब और शेयर करना। यार शेयर बहुत कम करते हो तुम लोग, शेयर ज़्यादा से करना अपने ग्रुप्स में, अपने सोशल ग्रुप्स में, फ्रेंड्स को, क्योंकि वो भी जान सकें, और ये जो पीरियड चल रहा है झूठ मूठ का, आप टाइम वेस्ट ना करके यूटिलाइज कर सकें। और नीचे सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।